ये बताइए इस देश में एक राज्य तो है ना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से, कौन राज्य है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है, तो माइनॉरिटी को तो प्रॉब्लम नहीं है, ये कहिए एक को प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि साहब हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, धार्मिक मामले में तो हम ईमानदारी हस्तक्षेप मान चुके हैं। अरे भाई, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तलाक का प्रावधान तो है, आपको सिर्फ इस पे प्रॉब्लम है कि तलाक किस तरीके से या उस तरीके से। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, हमारे यहां पति पत्नी का संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहां वो एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। कहा जाता था कि डोली आती अर्थी जाती और सात जन्म तक का संबंध है। मैं चुनौती से कहता हूं किसी हिंदू धर्मग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए कि संबंध विच्छेद कैसे किया जा सकता है। इसके बावजूद मॉडर्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वीकार किया, हमसे ज्यादा किसी ने एक्सेप्ट किया तो पूरा मानो ना। क्रिमिनल कोड में क्यों नहीं मानते भाई, सिविल में चाहिए, मगर चोरी करके हाथ नहीं कटवाने, दारू पी के कोड़े नहीं पड़वाने हैं, और अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो पत्थर नहीं खाने हैं। सिर्फ औरतों को दबाने के लिए हमें वो राइट चाहिए, अन्यथा आप कहिए मौसिकी कुफ्र है, तो फिर उसके लिए जो सजा है वो आप मानिए। जो लोग कहते हैं कि हिजाब रखना चाहिए, तो मैं इतना बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं, पर इतना अगर जिस नियम में आप कहते हैं हिजाब रखना चाहिए, तो हिजाब जो औरत ना पहने तो उसके पत्थर भी पड़ने चाहिए। नहीं, सबकी संघ के रूल आप मानेंगे। शराब पीते पकड़े जाए 100 कोड़े लगने चाहिए, ये तो शरिया कहता है, क्यों नहीं लगवाने को तैयार भाई? दो लोग चोरी करेंगे, एक हिंदू होगा एक मुसलमान होगा, हिंदू 6 महीने सजा काट किया जाएगा, वो हाथ कटवा ले, वो नहीं चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता आधे ईमान पे अकीदत क्यों है जी? अगर रखो तो पूरे ईमान पे रखो।